5 who were the self-selected chaudhries of the system. It was easier for them to dominate a smaller number of countries between whom there was a big gap. The five permanent members are not the five largest economies of the world. That's just one indication I'm giving you. और उन्होंने जो इंटरनेशनली जो पावरफुल स्टेट्स हैं उनको कहा सेल्फ सिलेक्टेड चौधरीज ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम. ये खुद ही पांच जो परमानेंट हैं, और उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ये जो पांच परमानेंट ममालिक हैं ये टॉप फाइव इकोनॉमीज नहीं है. सो इंडिया ने जो अपने आप को जो बड़ी इकोनॉमी बनाया, पांचवीं बड़ी इकोनॉमी बनाया, वो कहता है हमें पहले पांच में लाए. लेकिन अब पीएम मोदी की सरकार है और पीएम मोदी के मैजिक को देखते हुए दुनिया के कई बड़े बड़े देश भारत को परमानेंट सदस्यता के लिए समर्थन कर रहे हैं. अब एक और देश है जो भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट का समर्थन करने लगा. इस देश का नाम है बेल्जियम. जब आप इसको कंपैरिजन में देखते हैं तो इंडिया जो है वो बीट कर रहा है, मेड इन इंडिया बीट कर रहा है मेड इन चाइना को, और जो सप्लाई चेन है वो उठा के चाइना से जो है वो इंडिया की तरफ आई लाई गई. इंडिया कहता है कि कंसीडर अस अमंग द फर्स्ट फाइव इकोनॉमी. हम जो दुनिया की पांच बड़ी इकोनॉमीज हैं तो हमें लेके आए. बैठे साहब, ये क्या मतलब, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है कि हम कहां पर खड़े हैं इस वक्त और दूसरे जो हमारे हमसाए हैं वो इस वक्त कहां पर खड़े हैं? क्या आप भी इसको इसी नजर से देख रहे हैं? बट यही चीज है कि अब भारत का ना वो अब सर नहीं झुकता और हाथ सिर्फ दोस्तों के सामने जोड़ा जाता है, और जो उल्टी बात करेगा फिर उसको उल्टा जवाब मिलेगा. इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कॉन्फिडेंस. एंड देन ही असर्ट्स कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है एंड जो इकोनॉमिक जो राइज है इसकी वजह से इंडिया हैज द कैपेसिटी कि वो दुनिया के मसले हल कर सकता है. जय हिंद दोस्तों. दोस्तों हमारे विदेश मंत्री श्रीमान जयशंकर साहब का एक और स्टेटमेंट पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है. अब दोस्तों उन्होंने कहा कि जो यूएन है वो पहले की तुलना में अब ज्यादा मोर इररिलेवेंट हो गया. इररिलेवेंट मतलब कि अब लोग उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि जो P5 नेशन है, परमानेंट मेंबरशिप वाले जो पांच देश है, वो अपने आप को चौधरी समझते हैं. यानी उन्होंने बातों बातों में जो ये वीटो नेशन है उनको स्नब कर दिया. और एक शब्द में उन्होंने ये भी बताया कि भाई जो पांच परमानेंट सीट वाले देश हैं, जो वीटो वाले देश हैं, वो दुनिया की पांच बड़ी इकोनॉमी नहीं है. दुनिया की पांच बड़ी इकोनॉमी में भारत एग्जिस्ट करता है चौथे नंबर पे और बहुत जल्द तीसरे पे आना चाहता है. तो इसमें भारत की जगह हर लिहाज से बननी चाहिए, क्योंकि भारत की आबादी भी सबसे ज्यादा है दुनिया में. इसके बाद भारत की इकोनॉमी भी टॉप फाइव से टॉप फाइव के अंदर आती है. हर चीज में भारत की रैंकिंग टॉप 10 टॉप 5 में है. तो क्यों नहीं भारत के पास वीटो पावर होनी चाहिए? क्योंकि जो परमानेंट पांच देश है वो अपने आप अपने हिसाब से यूएन को चलाते हैं, इसलिए जो यूएन है वो एक तरीके से अब अपंग हो गया. यानी यूएन अब कोई भी वॉर वगैरह रोकने में समर्थ नहीं हो रहा. बताओ कौन सा वॉर यूएन ने रोक लिया? कोई भी वॉर नहीं रोक पा रहा. तो इसलिए चाइना को छोड़ के वैसे सभी देश समर्थन करते ही हैं भारत का, लेकिन भाई जयशंकर साहब ने अपने ही अंदाज में स्नब कर दिया इन सबको. जो इंटरनेशनली जो पावरफुल स्टेट्स हैं उनको कहा सेल्फ सिलेक्टेड चौधरीज ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम. ये खुद ही पांच जो परमानेंट हैं, और उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ये जो पांच परमानेंट ममालिक हैं ये टॉप फाइव इकोनॉमीज नहीं है. सो इंडिया ने जो अपने आप को जो बड़ी इकोनॉमी बनाया, पांचवीं बड़ी इकोनॉमी बनाया, वो कहता है हमें पहले पांच में लाए. सो इंडिया कहता है कि कंसीडर अस अमंग द फर्स्ट फाइव इकोनॉमी. हम जो दुनिया की पांच बड़ी इकोनॉमीज हैं तो हमें लेके आए. इंडिया कॉन्टिन्यूसली टारगेट कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली लगा हुआ है इस चीज में. अभी फॉर एग्जांपल जो उन्होंने वाई भारत मैटर्स जो थी वो भी जो लिखी है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो भारत का एक नेशनलिस्ट आइडिया है, वर्ल्ड शुड गेट यूज टू इट. The world shall understand that हम ऐसे हैं, हम ऐसे रहना चाहते हैं, और हमारी ऐसी ओढ़ना बिछोड़ना है, यही पॉलिटिक्स, यही स्टाइल. और भारत जो है वो उसके अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं उसको समझें. And India wants to assert itself as a civilization. वो अपने आप को एक प्रॉपर सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि ये जो भारत का जो कल्चरल कॉन्फिडेंस है इसने बेसिकली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को तब्दील कर दिया. सो बेसिकली वो जो टारगेट कर रहे हैं वो सीधा ही सीधा जो वेस्टर्न वर्ल्ड को टारगेट कर रहे हैं. वो कह रहे हैं भाई आपको क्या प्रॉब्लम है हमारे से? हमें आपकी सारी सिलेक्शन से प्रॉब्लम है. आप जिस तरह बिहेव कर रहे हैं हमें उससे प्रॉब्लम है.
सो ये आप अंदाजा लगाएं दैट हाउ दे आर गेटिंग इन टू इट, वो इंटरनेशनली वो किस तरह दुनिया को बताने जा रहे हैं कि हम क्या हैं। और वो जो कह रहे हैं, अच्छा उनका जो स्टाइल देखें, वो कहते हैं जी हम विश्व मित्रा हैं, दुनिया के दोस्त हैं हम, और हम सारी दुनिया के दोस्त हैं, हम रशिया के भी दोस्त हैं, हम अमेरिका के भी दोस्त हैं, बर्तन। देन ही असर्ट्स कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है एंड जो इकोनॉमिक जो राइज है, इसकी वजह से इंडिया हैज द कैपेसिटी कि वो दुनिया के मसले हल कर सकता है। भाई क्या आप अच्छी इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जो है, क्या ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? किस तरह के ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ चाइना इज एन $18 trillion डॉलर इकोनॉमी, वॉट काइंड ऑफ इश्यूज इट कैन रिसॉल्व? एक क्वेश्चन आता है ना, कैन इट रिजॉल्व एनीथिंग इन द रेड सी? कैन इट टॉक टू इजराइल? कैन इट टॉक टू द यूनाइटेड स्टेट्स? कैन इट रिजॉल्व इट्स ओन इश्यूज विद इंडिया? ये क्वेश्चन जो है, मुझे ऐसे लग रहा है, सो आई हैव अंडरस्टूड दैट डॉक्टर जयशंकर, हु इज अ वेरी स्मार्ट कैलकुलेटेड डिप्लोमेट एंड अ पॉलिटिशियन इन नाउ, एंड वो अपनी वो एक बड़ी कैलकुलेटेड तरीके से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बताना चाह रहे हैं एक तरफ, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है दैट द वर्ल्ड इज टेकिंग डाउन द नोट्स। कहते हैं कि जो भारत जो है वो दुनिया का जो रूल है उसको शेप करना चाहता है, इंटरनेशनल सिस्टम को शेप करना चाहता है, ठीक है जी। और जो इंडिया है वो एक कॉन्फिडेंट मुल्क है, एंड इंडिया इज नेशनलिस्ट कंट्री अनअपोलोजेटिकली, यानी कि वो कहते हैं कि इंडिया ने कोई माफी शाफी आपसे नहीं मांगनी, हमने ग्लोबल सिस्टम को रीशेप करना है, हमने ग्लोबल सिस्टम में कंट्रीब्यूट करें, हम ग्लोबल सिस्टम के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम दुनिया के मसले हल कर सकते हैं। सो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये पर्टिकुलरली ये जो नेशनलिज्म का क्वेश्चन है, नेशनलिस्ट आउटलुक, पॉपुलिज्म, ठीक है जी। अब देखें ना, अब अगर आप देखें कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट उर्दुगान ऑफ टर्की दोनों पॉपुलिस्ट लीडर हैं, इमरान खान ने भी पॉपुलिस्ट होने की कोशिश की लेकिन नॉर्मली नाकाम हो गए, यहाँ से धक्का दे दे इधर चले जाए, वहाँ से धक्का दे के इधर चला जाए, हम ऐसे नहीं होंगे, वी विल नॉट गेट यूज्ड, वी विल नॉट लाइक इट। सो ये चीज़ें समझने की हैं, व्हाई आई वांट दैट द पाकिस्तान मस्ट अंडरस्टैंड दैट हाउ इंडिया इज शेपिंग इटसेल्फ। सो मेजॉरिटी ऑफ अस मे नॉट अंडरस्टैंड के व्हाट्स गोइंग ऑन इन इंडिया, सो दैट्स व्हाई द इंडिया वॉचर्स इन पाकिस्तान दे मस्ट अंडरस्टैंड कि इंडिया अपनी जो नेशनलिस्ट आउटलुक है उसको कैसे देख रहा है, क्यों देख रहा है, और वो क्या कर रहा है इसके वाले से, ठीक है जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हैं, इसको डो नॉट अंडरएस्टिमेट। सो ये जो भारत अपने आप को सिविलाइजेशनल स्टेट कहता है, ठीक है जी, चाइना भी इससे पहले ये कहता रहा अपने आप को दैट दिस इज अ सिविलाइजेशनल स्टेट, ठीक है जी। ये जो आइडिया ऑफ भारत है, ठीक है जी, हम सबके दोस्त हैं, ठीक है, ये बड़ी दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ज्यादा उसमें कॉम्पिटिशन है। तो दोस्तों, जयशंकर साहब के बयान पे आप लोग क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से भाई जयशंकर साहब ने बहुत सही कहा यार, दुनिया का लगभग लगभग आप अगर एक तरीके से अंदाजा लगाओ कि 10-12 बिलियन पॉपुलेशन है, और मैं कहूंगा लगभग लगभग 8-9% जनता भारत से बिलोंग करती है। अगर दुनिया की इकोनॉमी की बात करें तो टॉप 5 में भारत की इकोनॉमी आती है, कोई सा भी सेक्टर उठा के देख लो आप लोगों को हर सेक्टर में भारत टॉप 5 में मिलेगा। तो भाई भारत वीटो पावर क्यों नहीं डिजर्व करता? भारत P5 का नेशन बनना क्यों नहीं डिजर्व करता? यूके से ज्यादा सब चीज है भारत के पास, कौन सा ऐसा चीज है जो भारत के पास यूके से ज्यादा नहीं है, फ्रांस से ज्यादा नहीं है, ठीक है? बस भारत की आबादी ज्यादा है, तो आबादी ज्यादा है तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक मुखिया तो चाहिए यूएन में, कि आबादी ज्यादा है तो मतलब चाइना की भी आबादी ज्यादा थी, चाइना की भी पहले जीडीपी पर कैपिटा इनकम लो थी, क्यों दिया उसको वीटो का मेंबरशिप? तो ये सब चीजें देखना चाहिए, और यूएन को जल्द से जल्द अपने फंक्शन में सुधार लाना चाहिए, भारत को इसमें ऐड करना चाहिए, और अगर ऐड नहीं करता है तो ऐसे धीरे धीरे जो यूएन है वो मोर इररिलेवेंट होता जाएगा, जैसा कि जयशंकर साहब ने
कहा। और दोस्तों जयशंकर साहब ऐसी पर्सनैलिटी है, अगर यह बात कोई करते हैं तो फैक्ट्स पे बात करते हैं, यह नहीं कि उल्टा सीधा बोल दिया सबूत दिखाने के बाद भी कुछ अजीब अजीब सी बातें, पाकिस्तान की तरह सोए सोए से सपने वाली बातें, यह सब जयशंकर साहब नहीं करते, विद फैक्ट बात करते। और विद फैक्ट बात यही है कि समय जिसके पास पैसा है उसकी चलती है, भारत के पास पैसा है, भारत की चल भी रही है दुनिया में, लेकिन ये P5 नेशंस खास करके चाइना भारत को बार बार वीटो पावर और परमानेंट मेंबरशिप से डिनाई कर रहा है, और अगर डिनाई करता रहा तो एक समय आएगा कि ये UN अपंग हो जाएगा, जो कि लगभग लगभग हो चुका है। कोई भी किसी भी चीज में UN बताओ कुछ कर पा रहा है? कुछ नहीं कर पा रहा। और जब तक भारत जैसे शक्तिशाली देश इसमें शामिल नहीं होंगे UN कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और जुड़े रहे ऐसे वीडियोज के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।